हो गया बाइट करो सामाना दे सामाना सही थैंक यू हो गया चल थैंक यू चले रेडी यार रोल उमा जी सच में यार आप आज महारानी लग रही हैं कुछ बताना चाहेंगे सर आउटफिट के बारे में क्या है ये आउटफिट और क्या कुछ बताना चाहेंगे देखिए आई थिंक हर कोई जो यू नो लेडी होती है और अब सबसे बात करेंगे ना केवल इंडिया में सब जगह सबको अपने किंगडम की खुद की महारानी बनना होता है बिल्कुल सो यू हैव टू फील लाइक यू नो योर रॉयल्टी इन योर ओन लाइफ एंड आई थिंक उमा इज़ अ वंडरफुल म्यूज सो ये आउटफिट के लिए मैंने एक जो कलर चुना जो यू नो रानी कलर जो रानी कलर है और जो यू नो एक स्किन पे और ज़्यादा ग्लो दे और यू नो एक कलर जो ऑप्टिमिज्म को जॉय को और पॉजिटिविटी को डिनोट करे वो उस हिसाब से कलर चूज़ किया और मोटिव्स और एम्ब्रॉयडरी जो है मैं हमेशा इंडियन हैंडीक्राफ्ट के साथ काम करता हूँ जहाँ के अपने जो ट्रेडिशनल कारीगर्स है ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उनको प्रोत्साहन मिले और उनको सपोर्ट मिले और यू नो जब हुमा जैसी यू नो सुपरस्टार पहनती है कपड़े तो उसमें मार्केट में भी एक लोगों को लगता है कि मैं भी पहन सकती हूँ एंड दैट काइंड ऑफ यू नो ब्रिंग्स डिमांड टू क्राफ्ट के जो है वो इस देश के आई मीन ऑफकोर्स उनको नेशनल अवार्ड तो सरकार दे ही चुकी है तो मैं क्या बोलूँ इनकी क्या तारीफ करूँ बट इनका जो काम है फिल्मों में तो हम देखते ही हैं इन्हें मुझे पहले भी बहुत दफ़े कपड़े पहनाए हैं बट आज जो इनका आउटफिट है मतलब आई थिंक आज तक का मेरा सबसे फेवरेट आउटफिट है और ये मुझे लगता है हर लड़की पहन सकती है हर लड़की एस्पायर कर सकती है कि वो ऐसी दिखे एंड इसका पूरा श्रेय इनकी पूरी टीम को जाता है जिन्होंने इतनी मेहनत से और इतने जल्दी ये बना दिया सो आई एम एक्चुअली क्वाइट हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट मुझे आज ये मौका मिला इनके साथ ये वॉक करने का जी साथ ही किस तरीके की स्टाइलिंग आप पसंद करती है और बॉलीवुड में किसे आप फॉलो करती है आज मेरी जो स्टाइलिंग है वो तो मैं पजामा पहनती हूँ उन्होंने एक बार देख लिया था मुझे तो इनका मन बदल गया था कि नहीं इसको नहीं पहनाते नहीं बट आई लाइक कंफर्टेबल क्लोथिंग इवन इन इंडिया एंड आई लव इंडियन आउटफिट्स आई थिंक इंडियन जो होता है बहुत खूबसूरत लगते हैं कपड़े और एक इंडियन लड़की को बहुत शोभा देते हैं तो आई लाइक मुझे सफ़ेद रंग बहुत पसंद है तो आई लाइक अ लॉट ऑफ व्हाइट्स इनफैक्ट टुडे आई हैव सीन टू आउटफिट्स फ्रॉम हिज कलेक्शन जो मैं चुराने वाली हूँ साथ ही एक अमेजिंग सा परफॉर्मेंस देखने मिला आज हमको रैंप पे आप तो You have set the stage on fire today. कैसा एक्सपीरियंस था आज? I think जब आप वो पूरा आई डोंट नो जस्ट आई वॉक ना तो जो म्यूजिक बज रहा था जो पूरा वो एक लाइटिंग हुई हुई थी जो सेट डिज़ाइन था वो आते ही मुझे एकदम सडनली आई फेल्ट समथिंग इनफैक्ट हमारे कुछ दोस्त आए हुए थे उन्होंने भी बोला कि तुम तो ऐसे लुक्स दे रहे थे मैंने कहा नहीं आई जस्ट इट आई डोंट नो एज एन एक्टर आप जब किसी स्पेस में एंटर करते हैं दैट स्पेस ऑल्सो आपको कुछ देती है तो द मोमेंट आई विद दैट म्यूजिक आई एंटर दैट स्पेस आई डोंट नो आई फेल्ट डिफरेंट तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू हिम एंड हिज vision for this so yeah thank you umaji thank you so much thank you so much thank you guys